आज इस वीडियो में इन सभी फोन्स के ऊपर हीट टेस्ट करेंगे अलग अलग यूसेज के साथ, ताकि आपको पता चल सके कौन सा फोन किस यूसेज में कितना हीट होता है। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, किसी भी फोन में कोई भी पावर सेविंग मोड इनेबल नहीं है। फोन कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क से। साउंड एंड ब्राइटनेस लेवल को मैक्स सेट कर दिया गया है। इसके अलावा इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए रूम में कोई भी कूलर या फिर एसी ऑन नहीं है। हमने ये सब इसलिए बंद कर दिया ताकि आपको एक रियल आइडिया मिल सके कि कौन सा फोन कौन से यूसेज में कितना हीट हो सकता है। टेस्ट शुरू करने से पहले रूम का टेम्परेचर है 33°C और इन डिवाइसेस का टेम्परेचर है 34°C। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं और 30 मिनट के लिए वीडियो प्ले करेंगे इन तीनों डिवाइसेस के ऊपर, और उसके बाद देखेंगे कौन सा फोन कितना हीट हुआ है। तो हमें वीडियो प्ले करते हुए पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। चलिए इन तीनों फोन्स का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। Redmi 9A का टेम्परेचर है 41°C, Xiaomi Max का टेम्परेचर है 44°C, Tecno Spark Go 2020 का टेम्परेचर है 43°C। तो चलिए अभी म्यूजिक प्ले करते हैं तीनों फोन्स के ऊपर, और उसके बाद देखेंगे किस फोन का टेम्परेचर कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है। 30 मिनट वीडियो प्ले के बाद जो फोन सबसे ज्यादा हीट हुआ था वो था Xiaomi Max, और जो सबसे कम हुआ था वो था Redmi 9A। तीस मिनट कॉन्टिन्यूस म्यूजिक प्ले के बाद Redmi 9A का टेम्परेचर है 42°C, Xiaomi Max का है 44°C, Tecno Spark Go 2020 का भी है 42°C। तो चलिए अभी इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए 30 मिनट के लिए कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे इन तीनों फोन्स का टेम्परेचर। तो 30 मिनट म्यूजिक प्ले के बाद भी जो सबसे ज्यादा फोन हीट हुआ था वो था Xiaomi Max, और जो सबसे कम हीट हुआ था वो दो फोन्स में टाई हुआ था, Redmi 9A एंड Tecno Spark Go 2020 के बीच में। तीस मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद Redmi 9A का टेम्परेचर है 40°C, Xiaomi Max का टेम्परेचर है 44°C, Tecno Spark Go 2020 का टेम्परेचर है 45°C। तो चलिए अभी इस टेस्ट के नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं, और 30 मिनट के लिए इन फोन्स को चार्ज करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन सा फोन कितना हीट होता है। हम सेम चार्जर यूज करने वाले हैं जो फोन के बॉक्स में हमें मिलता है। जब हमने कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी तो सबसे ज्यादा जो फोन हीट हुआ था वो था Tecno Spark Go 2020, और जो सबसे कम हुआ था वो था Redmi 9A। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 30 मिनट हो चुके हैं इन फोन्स को चार्ज करते हुए। अगर बात करें इन फोन्स के टेम्परेचर की तो Redmi 9A का टेम्परेचर है 39°C, Xiaomi Max का है 41°C, और Tecno Spark Go 2020 का टेम्परेचर भी है 41°C। तो चलिए अभी इस टेस्ट के लास्ट फेज की तरफ मूव करते हैं, और अभी हम PUBG गेमिंग करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कौन से फोन का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। चार्जिंग के टाइम जो सबसे कम हीट हुआ था वो था फोन Redmi 9A, और जो फोन सबसे ज्यादा हीट हुआ वो दोनों फोन में टाई हुआ था, Tecno Spark Go 2020 एंड Xiaomi Max में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें गेमिंग करते हुए पूरे 30 मिनट हो चुके हैं। अगर बात करें टेम्परेचर की तो Redmi 9A का टेम्परेचर है 42°C, Xiaomi Max का है 44°C, और Tecno Spark Go 2020 का भी है 42°C। तो ये तो था इन फोन्स का हीट टेस्ट डिफरेंट यूसेज के साथ। अगर हम इन सभी फोन्स के टेम्परेचर का एवरेज निकालें और उस हिसाब से इन फोन्स की रैंकिंग करें, तो जो फोन सबसे कम हीट हुआ है वो है Redmi 9A, और इसकी रैंकिंग रहेगी नंबर 1 विद 40.8°C एवरेज टेम्परेचर। सेकंड पोजीशन पे रहेगा Tecno Spark Go 2020, इसका एवरेज टेम्परेचर था 42.6°C, और थर्ड पोजीशन पे रहेगा Xiaomi Max, इसका एवरेज टेम्परेचर था 43.4°C। तो इस टेस्ट के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा जो फोन हीट होता है इन तीनों फोन्स में वो है Xiaomi Max, और जो सबसे कम हीट होता है वो है Redmi 9A। आशा करता हूँ इन फोन्स की हीटिंग के रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।